सो ऑलराइट, आपने देखा होगा, इवन ऑब्जर्व भी किया होगा, जो इंडियन कोर्ट्स हैं ओके, वो काफ़ी सारा टाइम लगाते हैं अपना डिसीजन देने में ओके, फिर वो हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो ओके, फिर वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, सिविल केस में 3-4 साल नॉर्मली लग जाते हैं, क्रिमिनल केस में भी 15-20-10 इतना भी लग जाता है काफ़ी सारा टाइम ओके. तो ऐसा क्यों होता है, इंडियन कोर्ट्स इतना टाइम क्यों लगाते हैं? लेट्स स्टार्ट. Up and just felt right, phone blown like a tailpipe, today's schedule airtight, I turn a short day into a long night, see you soon if you got the heart, meet you outside when you... So, okay, क्या होता है, जितने भी इंडियन कोर्ट्स हैं ओके, इन्फीरियर टू लेके सुपीरियर, वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का ओके, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इसका पहला पॉइंट आता है कि आप AAP, ऑडी अल्टरम पार्टम, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि नो वन शैल बी रिमेन अनहियर्ड. सरल शब्दों में बात करें तो हम सबकी सुनेंगे ओके, फिर वो एक्यूज्ड हो, डिफेंस हो, कोई भी हो, हम सबकी सुनेंगे. कौन सुनेगा? कोर्ट ओके. एग्जांपल, सपोज ए आरोप लगाता है बी के ऊपर कि इसने मेरी गाड़ी चुराई है ओके, तो मैटर कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में जज क्या होता है, उस बी को भी कहता है कि अपने डिफेंस में अपनी बात रख, हम तेरी बात भी सुनेंगे, अगर तू अपने फेवर में कुछ बचाव पक्ष में कुछ कहना चाहता है तो अपनी बात रख. तो इसी में टाइम लग जाता है, 15 दिन उसको नोटिस देने में, 15-20 दिन उसको नोटिस देने में, फिर वो अपने एविडेंस देता है, एविडेंस देने में, इस पार्टी ने एविडेंस दे दिए, ये नहीं आई, सपोज ये आई, वो वाली एब्सेंट हो गई, तो जिस दिन आई उस दिन आर्ग्यूमेंट चली, उसमें टाइम लग गया ओके. तो ऐसे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है ओके. अब नेचुरल जस्टिस की बात हो गई तो इसका सेकेंड पॉइंट भी समझ लेते हैं. सेकेंड पॉइंट ये है कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केसेस ओके, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन है वो जज नहीं बन सकता अपने केस में ओके. एग्जांपल, सपोज एक जज है, कोई भी कोर्ट में एक जज है, वो क्या करता है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसी कोर्ट में उसका बेटा है प्रैक्टिस करता है, तो ये वॉयलेशन है नेचुरल जस्टिस का ओके. क्योंकि क्या होता है, चांसेस हो जाते हैं वो अपने बेटे के फेवर में डिसीजन दे, चांसेस हो जाते हैं क्योंकि रिलेटिव रिलेटिव होता है, बेटा नहीं, कोई भी रिलेटिव भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता ओके. अगर ऐसा करता है तो वो वॉयलेशन करता है नेचुरल जस्टिस का ओके. वैसे तो काफ़ी सारे उन्होंने प्रोविजन बना दिया है आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, कॉन्सिलेशन का ओके. सो आई होप यू एंजॉय दिस नॉलेज एंड आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल नेवर अब्यूज द इंडियन कोर्ट्स रिगार्डिंग देयर डिलेनेस ओके. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.